आज आज बता दें कि जितना सेना का शहीदों का स्मारक बना है वो सरकारी जमीन पर ना बनेगा तो किसी के प्राइवेट खेत में जाकर बनेगा। अब हमारे सेनाओं के मनोबल को गिराने के लिए यहाँ के माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी का जिस तरह से बयान आया है ये घोर निंदनीय है। हमारे शहीद हुए उसके पिता को जंदाहा में घसीट घसीट कर रंगदारी के मामले में जेल भेज दिया। SC ST का केस झूठा बना करके और रंगदारी का मामला का आरोप लगा करके जेल भेजा गया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जिस तरीके से वैशाली में गलवान घाटी में शहीद के पिता को पुलिस के द्वारा जबरन घर से रात को घसीटा गया, हवालात में डाल दिया गया, इसको लेकर सदन में सवाल नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। हालांकि उसके बाद सदन को बाइकाट करके आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से वो बाहर चले आए और साफ कह रहे हैं कि अगर उनके जिन्हों जो गलवान घाटी में शहीद हुए उनके पता पर जो कार्रवाई हुई है उसे वापस नहीं लिया गया तो सदन से लेकर सड़क तक सवाल उठाया जाएगा, हंगामे किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इनसे और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। जहाँ एक तरफ उनके मंत्री सेना को लेकर सवाल खड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ इनके शासन सेना के ही लोगों को इस तरीके से उन पर जुर्म करते हैं, तो कई मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा, पूरा बयान सुने आप। आज पूरे बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही, अब हमारे सेनाओं के मनोबल को गिराने के लिए यहाँ के माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी का जिस तरह से बयान आया है ये घोर निंदनीय है। उनको आज माफी मांगने के लिए कहा गया, वो उठे भी लेकिन उनको बैठा दिया गया, बोलने का मौका नहीं देना। और आज उसका परिणाम है कि प्रशासनिक पदाधिकारी गलवान में जो सेना हमारे शहीद हुए उसके पिता को जंदाहा में घसीट घसीट कर रंगदारी के मामले में जेल भेज दिया, जबकि सच्चाई है कि वो अपने पुत्र का मूर्ति लगाने के लिए वो प्रयास किया था। SC ST का केस झूठा बना करके और रंगदारी का मामला का आरोप लगा करके जेल भेजा गया। उसी तरह से रक्सौल के अंदर हमारे माननीय विधायक पवन जसवाल जी बता रहे हैं कि राधा मोहन गिरी जी को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया, सेना का जवान है वो। इस तरह से सेनाओं को जहां तहां अपमानित करना, जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देता है, अपना बलिदान देता है, उसके साथ ये व्यवहार कहीं ना कहीं सरकार की जो सोच है, इनके मंत्री का जो सोच है, उसको सेनाओं का मनोबल गिराने का, ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। बिहार को ये लोग बदनाम और कलंकित कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग, हम इसका प्रतिवाद करते हैं। सदन के अंदर भी पूरी बात को सुनते नहीं हैं और मंत्री को माफ़ी मांगने के बजाय, जवाब देने के बजाय सरकार की सोच के अनुसार संरक्षण देना ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। जंदाहा मामले में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा सरकारी जमीन पर किसी को जाने का अधिकार नहीं है, क्या लगता है कि सरकारी जमीन पर जो सेना बनाई जा रही थी उसकी स्थिति कर रहे हैं क्या? आज बता दें कि जितना सेना का शहीदों का स्मारक बना है वो सरकारी जमीन पर न बनेगा तो किसी के प्राइवेट खेत में जाकर बनेगा। ये सरकार की सेना के विरुद्ध सोच जो है, ये मानसिकता सेना का अपमान है और घसीट के पीटने का सेना के पिता का सामाजिक रूप से उसको सम्मान मिलता है। देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक श्रद्धा एक वातावरण समाज के अंदर उसकी एक सम्मान प्रदान किया था, ये लोग अपराधियों को आतंकवादियों को संरक्षित करने वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिराकर अपराधियों और आतंकवादियों को संरक्षण का भाव प्रकट कर रहे हैं, नहीं अगर जो माफी मांग। तो आपने सुना किस तरीके से विजय सिन्हा ने कहा है कि सेना पर एक तरफ उनके मंत्री सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ उनके जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हैं। अब देखना होगा कि इनके बयान के बाद क्या सच में मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं, क्या आने वाले समय में उन पर कार्रवाई होती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।